नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आप सबका मेरे ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने सुपरटेंड इंडिकेटर के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइजर ने रोबोट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम आई कस्टम फंक्शन का यूज़ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और जैसे आई कस्टम फंक्शन में हम सुपरटेंड इंडिकेटर डेवलप करेंगे और उसके हिसाब से हम रोबोट तैयार करेंगे। तो सिंपल सा इसमें प्रोसेस है दोस्तों। जैसे इसके लिए हम लोग ना सबसे पहले सुपर ट्रेड इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बेसिक सा चीज़ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक चार्ट है लिया हुआ है और इसमें मैंने जैसे सुपर ट्रेड इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो इसमें जैसे ही ये जो सिग्नल देता है, जैसे नीचे वाला देख सकते हैं आप, ग्रीन लाइन है, लोअर पर है और ये जो ग्रीन है तो ये अपना ट्रेंड बताता है मार्केट का। तो यह हम बाय लेते हैं और उसके ऑपोजिट में ये जो है आपका रेड लाइन दिख रहा है, अपर लाइन, सुपर ट्रेंड की लाइन जो अपर में है, रेड है इसका कलर। तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड लेते हैं और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाय, फिर यहाँ सेल, बाय और फिर यहाँ पे हम बाय ले लेंगे और इधर में इसको सेल करेंगे। तो हम बात करते हैं इसके कुछ सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं जैसे एक बार आपको थोड़ा इसको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, सेटिंग्स है, देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में सुपर ट्रेंड पीरियड और दूसरा वाला है सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर। तो जो फर्स्ट वाला है, ये जो सुपर ट्रेंड पीरियड है दोस्तों, ये होता है सुपर ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए कितना प्रीवियस बार का डाटा यूज करना किया जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है। जैसे इसका डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, जिसके अकॉर्डिंग सुपर ट्रेंड लाइन प्रीवियस 10 बार का प्राइस डाटा को बेसिक पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके बाद है ये जो आपको दिख रहा है सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर। ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के लिए ये होता है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 3 है, जिसके अनुसार सुपर ट्रेंड लाइन पास्ट पीरियड के एवरेज टू रेंज के 3 गुना के बेसिक पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक सेटिंग। अभी हम चलते अपने मेटाकोर्स लैंग्वेज एडिटर में। इसमें जाने के बाद कस्टम इंडिकेटर वाले में सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसमें जो नेम में जो हमारा जो सुपर ट्रेंड है उसका एक नाम देते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ सुपर ट्रेंड और इसमें 1 डाल देता हूँ, पहले से एक में बना हुआ था इसलिए मैं इसको एक डाल देता हूँ सुपर ट्रेंड 1। नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट और फिनिश। तो हमारे सामने एक कैसे ओपन हो गया, तो हम इसको जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसका विड्थ, कलर और बफर। तो फर्स्ट में हम जो इसमें एक बफर ऐड कर देंगे 3, तो 3 बफर, इसमें 3 बफर होता है, एक अपर, लोअर और एक मिड बफर। तो मिड बफर तो अपना सुपर ट्रेंड लाइन हो गया और जो उसका लिए बेरिश के लिए होता है रेड अपर बफर, अपर वाला, और बुलिश के लिए होता है नीचे वाला लोअर बफर। तो इसके लिए 3 है, तो इसके अलग अलग कलर देते हैं 3 बफर का। तो पहला वो अपना सुपर ट्रेंड का ऑरेंज देते हैं, सेकेंड वाले को ग्रीन और सेकंड वाले को रेड कर देते हैं और थर्ड वाले को ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसका इंडिकेटर मिनिमम वैल्यू 0 कर देते हैं और जो इंडिकेटर का मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम 1 रख देते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम इंडिकेटर मैक्सिमम, ओके 1 रख देते हैं। इसके बाद इसका जो विड्थ साइज़ है लाइन्स का, ये यहाँ से सेट कर लेते हैं हम लोग, इंडिकेटर अंडर स्लैश विड्थ। ये तीनों का हम अलग अलग रख सकते हैं, नहीं तो सेम ही रख सकते हैं। इसका मैं एक जैसे 1 रख देता हूँ फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का विड्थ जो 3 लाइन से, एक तीनों लाइनें अलग अलग नहीं होती, तीनों लाइनें साथ ही चलती हैं, बस एक ट्रेंड के हिसाब से इसका कलर चेंज होता है। तो जैसे कि इसमें सेकंड वाले का हम विड्थ 2 रखते हैं और थर्ड वाले का 3 रख देते हैं। इसके बाद इसमें जो लाइन डालेंगे उसका स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें मैं डाल देता हूँ इंडिकेटर स्टाइल और स्टाइलिश डॉट डाल सकते हैं, सॉलिड डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या प्रॉपर्टीज़ अपना इंडिकेटर का, तो इसको डिवाइड करता हूँ। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इसका इंडिकेटर का नाम, तो इसमें लिख देते हैं हम डिफाइंड इंडिकेटर अंडर स्लैश नेम, जो इसमें अभी जो हमारा जो इंडिकेटर है इसको हम अपना नाम देते हैं। इसके बाद अभी हम लोग इसमें कुछ इनपुट्स ऐड कर देते हैं, ये वाला एक तो है पहला जो अपना जो सेटिंग है हमारा फर्स्ट वाला जो सुपर ट्रेंड पीरियड, इसको हम कस्टमाइज़ करने के लिए, मतलब इसको चेंज करने के लिए एक इनपुट ऐड कर देते हैं जो सुपर ट्रेंड पीरियड का
और दूसरा वाला है एक्सटर्नल डबल और अपना जो मल्टीप्लायर सुपर टेन मल्टीप्लायर, इसको आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। इसके बाद दोस्तों इसका हम कमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे ये हो गया सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हो गया, और ऊपर वाला इसको हम कमेंट ऐड कर देते हैं सुपर ट्रेंड एटीआर पीरियड, एटीआर पीरियड इतना ऐड कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, अभी दोस्तों इसके बाद हम जो सुपर ट्रेंड में तीन बफर ऐड कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ बफर्स, बफर्स इसमें तीन बफर ऐड कर देते हैं हमारे, जो डबल पहला है सुपर ट्रेंड डाउन का डाल देता हूँ, एक सुपर ट्रेंड डाउन, फिर इसमें बात तो सुपर हेड डाउन डाल दिया। इसके बाद हम दो स्क्वेयर ब्रैकेट ऐड कर देते हैं और सेमी कॉलम। इसके बाद जो और एक हम ऐड कर देते हैं बफर, डबल सुपर ट्रेंड अप, अप वाला एक ऐड कर देते हैं, इसमें दो ब्रैकेट डालते हैं सेमी कॉलम, और लास्ट में भी एक ऐड करते हैं हम लोग डबल सुपर ट्रेंड के लिए एसटी सुपर ट्रेंड सेमी कॉलम। तो दोस्तों ये जो हमने ये बफर ऐड कर दिया, इसमें ये तीन बफर ऐड कर दिया, दोस्तों इसके बाद थोड़ा ये इधर थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया था, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कस्टम इंडिकेटर इनिशियलाइज फंक्शन। ये इनिशियलाइज फंक्शन होता है जब हमारा जो ई चार्ट में लोड होता है या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉ करते हैं उस टाइम के लिए, तो हम इसमें हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा आज। तो इसमें जो हम अपर वपर लोअर वपर डालेंगे, जैसे चार्ट में जो इनिशियलाइज हो जाएगा उस टाइम में आने के लिए, तो इसको सबसे इसको काट देते हैं और रिटर्न का इसको जीरो कर देता हूँ यहाँ से, इनिशियलाइज जीरो, और इसके अंदर अभी हम लोग इनिशियलाइज वाला फंक्शन ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनिशियलाइज वाले फंक्शन थोड़ा कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा पेस्ट कर दिया कहीं से, तो आप इसमें देख सकते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट था, जो फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला बफर है, तीन बफर थे हमारे, एक जो मेन बफर है हमारा सुपर ट्रेंड का है, और सेकंड वाला जो है सुपर ट्रेंड डाउन, और थर्ड जो है सुपर ट्रेंड अप, ये तीनों का बफर है। और ये जो कौन सा स्टाइल है ड्रॉ लाइन, तीनों का भी हम लोग को लाइन चाहिए, तो लाइन है, और ये जो लेबल है इसका सुपर ट्रेंड का, सुपर ट्रेंड डाउन और अप। तो दोस्तों ये तो हो गया इनिशियलाइज फंक्शन, अभी हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में, ऑन कैलकुलेट फंक्शन की तो ज़रूरत नहीं हमें, तो इसको हम लोग इसका नाम चेंज कर देते, इसको पहले इसको ये जो वाला यहाँ से इसको इसको यहाँ से रिमूव कर देते पहले, तो डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे हम ऐड करते इनिशियल स्टार्ट, सेमी कॉलम डालते एंटर, स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो हम फर्स्ट में न्यू बार वाला एक कोड ऐड कर दे इसमें इनिशिएट न्यू बार काउंटिंग के लिए, और ये जो है अनप्रोसेस टिक के लिए ये वाला जो एक कोड है। और अभी हम लोग इसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो डबल डबल ए टी आर अपर लेवल और लेवल जो है लोअर लेवल, इसका में हम इसका भी कैलकुलेट ऐड कर देंगे इसमें। अभी हम इसमें इसका तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऐड कर दिया, जैसे ये देखो फर्स्ट में जो ए टी आर है ए टी आर का, जैसे आप ब्रैकेट करेंगे तो इसमें सारे फंक्शन आपको दिख जाएंगे, तो ये फर्स्ट में ए टी आर है, ए टी आर का जो हमने फर्स्ट में डाल दिया,
फिर जो आपका जो अपर लेवल है, अपर लेवल है इसका एक फार्मूला है, हाई आई प्लस लो आई प्लस इन टू परसेंट डिवाइड बाई टू प्लस यहाँ पे सुपर टेंड मल्टीप्लायर। जो सुपर टेंड जो वैल्यू डालेंगे इसका ये आपका जो एटीआर है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम लो के लिए भी सेम रहेगा वही। तो जैसे हम इसका जो ऊपर जाके जब इसमें जो हम जो टू सॉरी टू एक ज़्यादा हो गया, ये टू करते जैसे थ्री करते तो उस टाइम इसका ये चेंज हो जाएगा इसका वैल्यूज। तो ये कैलकुलेशन वाला हो गया। अब इसके बाद अभी हम इसमें जो इंडिकेटर है इसका लेवल ऐड कर देते हैं। जैसे सुपर टेंट का इंडिकेटर लेवल से है ये वाला, ये जो पूरा यहाँ पे मैंने ये जो लेवल्स है ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐड कर दिया। ये वैल्यू के लिए सेट इंडिकेटर्स लेवल, जैसे वैल्यू निकलेगा इसके बाद हम इसका जो है उसके बेसिक पे हम चार्ट में जो हमारे जो तीन लाइन है इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम एक कोड ऐड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने जो ये जो हमारे तीनों वैल्यू निकलने के बाद तीनों लाइंस की तीनों बफर की ये जो हम चार्ट में हम ये ड्रॉ करेंगे इसके ये तीनों लाइन ड्रॉ करेंगे। और जैसे ये हो गया, इसके बाद सबसे हमारा लास्ट जो है जैसे हमारा वैल्यू एम्प्टी वैल्यू है ये सुपर टेंडर अब एम्प्टी वैल्यू जो शो करेगा उस टाइम कमिट आएगा। जैसे मतलब हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो जो रेड का ग्रीन हो जाएगा तो उसके साथ साथ ये जो हमारे जो कमिट सेक्शन में बाय और सेल सिग्नल का जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम एक कोड ऐड कर दें इसमें। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा था इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं इफ सुपर टेंडर अप एम्प्टी वैल्यू एंड सुपर टेंडर अप आई प्लस वन इज इक्वल एम्प्टी वैल्यू कमेंट्स, ये कमेंट हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बाय लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने बाय लिख दिया ये जो वैल्यू मिलेगा तो ये कमेंट करेगा जैसे बाय, और जैसे इसके ऑपोजिट जो ये वैल्यू हो जाएगा तो इसका ये सेल जनरेट करेगा। तो दोस्तों इसको हम एक बार है ना कंपाइल कर देते हैं। तो हम चलते हैं अभी इसमें कंपाइल कर दे इसको एक बार। कंपाइल कर दिया, अभी देख सकते हैं हमारे सामने नो एरर है। जैसे नो एरर हो गया तो हम इसको क्या करेंगे एक बार स्विच करेंगे, एक बार यहाँ से स्विच कर देते इसको, चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक कोई नया चार्ट ले लेता हूँ। जैसे ये चार्ट हो गया तो ये जो हमारा जो सुपर ट्रेंड है ये हमने कंपाइल किया था। तो आपको ये इंडिकेटर जहाँ पे जो इंडिकेटर है इस वाले सेक्शन में मिलेगा इसको, ये वाला इसमें प्लस कर दे तो सुपर ट्रेंड वन ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे भी मिलेगा। नहीं तो आप ऊपर वाला प्लस का दिख रहा है साइड इसमें क्लिक करेंगे और एक कस्टम का ऑप्शन मिलेगा आपको। जो ये जो कुछ कंपनी से पहले पे और जो हम बनाते हैं कस्टम वाले तो इसमें देख सकते हैं आप ये सुपर ट्रेंडर वन, यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं आप। तो इसमें हमने जो कलर सेट किया था भाई ये तीनों कलर आ गए। फिर इसका इनपुट सेक्शन हमने 20 और 2 का रखा है, पीरियड और 2, इसको बाद में आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको, या तो इसमें लगाने से पहले इसको एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको ओके कर देता हूँ चार्ट में। तो देख सकते हैं हमारे जो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर चार्ट में लग गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर दे, अभी देख सकते हैं अभी थोड़ा जैसे ये रेड चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कमेंट्स शो हो रहा है सेल, और जैसे ग्रीन हो जाएगा तो ये बाय का कमेंट शो करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस सिग्नल के बेस पे हम इसका एक्सपर्ट एडवाइजर यानी रोबोट कैसे बनाते हैं। मतलब जैसे ये जो रेड हो गया तो सेल करेगा, जैसे ग्रीन हो गया तो बाय करेगा। तो दोस्तों आई होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता है यार थोड़ा सा। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसमें इसका इसके बेसिक पर हम एक्सपर्ट एडवाइजर रोबोट कैसे बनाएं। जय हिंद।